जयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम चिस्दा में संचालित नवयुग पब्लिक स्कूल का। इसी स्कूल के संचालक के खिलाफ स्थानीय पत्रकार ने कुछ दिन पहले शिकायत किया था, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच के नाम पर कार्यालय से ही सिर्फ खानापूर्ति कर और शिकायतकर्ता के शिकायत को ही निराधार बताकर मामला रफा दफा कर दिया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संचालक और बीईओआर लहरे के बीच सांठ गांठ होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयपुर को नवयुग विद्यालय के जो शासन के ताप को रख कर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है उनके बारे में शिकायत किया था। कौन से मैं 2017 को उसके उपरांत 17 का जो जांच किया है बीओ साहब वह कार्यालय में बैठकर ही जांच किए हैं, वहां नहीं गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बीओ लहरे के द्वारा उनके परिजन के साथ साठगांठ एवं संचालक के साथ साठगांठ करके झूठी रिपोर्ट दिया गया है जो निराधार बताया गया है। लेकिन आज 21 तारीख को पुनः गया था वहाँ, जहाँ पर नवयुग विद्यालय में छत नहीं है और जो टॉयलेट है गंदगी है उसमें केवल टीन लगाया है, एक हवा के झोंकों में यह टीन उड़ जाएगा। इससे ऐसा लगता है कि पूरा लहरे साहब का जो नवयुग संचालक स्कूल के संचालक के साथ में साठगांठ ऐसा प्रतीत हो रहा है। कौन से गांव में है नवयुग स्कूल? नवयुग स्कूल चिस्दा में है। स्कूल गए थे आप चिस्दा में जांच के लिए? नवयुग पब्लिक स्कूल चिस्दा। उसका जांच आपने स्वयं अपने देखरेख में करवाया निगरानी? जी, मैं खुद। तो सब कुछ क्या सही है? हाँ। खेल का मैदान वगैरह या जो भी मूलभूत खेत को समतलीकरण करेंगे? करेंगे, हुआ नहीं है। तो नहीं है तो क्या वो पास हो चुका है? पास कर दिए हैं उसको? उसको तो मैं थोड़ी पास किया हूँ, जिला उच्च कार्यालय से जो भी है। आपने जांच जांच की बात बोल रहा हूँ, जांच में हाँ, जांच के बाद में तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है, लेकिन सारी बातें जो है जानकारी दी जा चुकी है। वहाँ पर ये भी देखने को मिला है कि जो बाथरूम बनाया गया शौचालय उसके ऊपर मात्र टीन रखा गया है और दरारें आ चुकी है, तो क्या वो सही था? आपके जांच में सही पाया गया हो? नहीं, टीन तो रखा गया है, सब ठीक है, लेकिन ना उसको नए ढंग से बनवाएंगे बोल रहे थे। तो स्कूल का जो भी एडवाइस किया उसको जी, ये टीना मुना लगा हुआ है, सब ठीक ठाक नहीं है और सफाई भी नहीं है, इसलिए साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल की मान्यता निरस्त करेंगे। तो क्या बोले हैं कितने दिन तक हो जाएगा? बोले कुछ दिन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारे जो और साथी गए थे वहाँ पर, जिन्होंने आपसे शिकायत भी किया, शिकायतकर्ता गए थे वहाँ पर, और इसलिए फिर हम लोग न्यूज़ को चलाने वाले हैं। तो कब गए थे? दो चार नहीं हुआ होगा अभी तक, उसमें छत भी नहीं डाला गया है। आपने जैसे वहाँ पर जांच किया था तो छत था क्या वहाँ पर स्कूल में बरामदे में? बरामदे में जी, बरामदे में छत था। हाँ था, बरामदे में छत था, टीन था कि लेंटर था? स्कूल के बरामदे में ना? हाँ जी, तो उसमें छत था, वो छत टीन का है। टीन का छत है, तो क्या वो नियमानुसार सही है सर? स्कूल में होना चाहिए टीन का? नहीं, सही नहीं था। तो उसके लिए क्या उनको बोला गया है? कुछ नोटिस वगैरह दिया गया है? क्या कार्रवाई किया गया है? इसके लिए ना उसको रेंटर करवाने के लिए बोला गया है। सर जी, आपके द्वारा तो जांच प्रतिदिन में शिकायत कर तंजा था रहेगा कि ये जांच प्रतिदिन भेजे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपको? इसका जांच प्रतिदिन जो शिकायतकर्ता को जो जांच प्रतिदिन आप दिए हैं उसमें जांच शिकायतकर्ता निराधार है कि ये दिए गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, क्योंकि उस समय में जो शिकायत किए थे ना, उस शिकायतकर्ता जो शिकायत है वो निराधार है, इसलिए ये जो बातें देखने के लिए मिली है ना, जो एडवाइस किया गया है उसके हिसाब से उसको पूछा गया है। क्या शिकायत था शिकायतकर्ता का? वो लेटरिन रूम है, हमारा टॉयलेट है, वो ठीक ठाक नहीं है। तो क्या वो निराधार है सर? हाँ? शिकायत निराधार है जो उन्होंने शिकायत किया है? शिकायत किया था वो नहीं है, वो समय में तो ठीक था, लेकिन बाद में ना वो निराधार हो गया। शिकायत निराधार हो गया। हमने अभी अभी जाकर निरीक्षण किया अपने स्तर पे, वहाँ पर हमने देखा है, विजुअल बनाया है, उसमें शौचालय बना ही नहीं, छत में बस वो टीन रख दिया गया, दो पत्थर रख दिए गए हैं, जिससे कभी भी वहाँ पर अनहोनी हो सकती है बच्चों के साथ में। तो आपने जांच किया है तो क्या वो सही पाया गया है आपके द्वारा?
सही ढंग से बनाने के लिए बोला गया। नहीं तो आपने कहा निराधार है, पत्रकार का जो या जो साथी है जिन्होंने कहा है शिकायत करता है वो निराधार है, तो किस आधार पर निराधार है वो? तो उसी बिंदु पर थोड़ी है, सभी बिंदुओं पर लिखा गया है ना, सभी बिंदुओं पर लिखा गया है। For more information, log on to www.clips.in.